चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इसको कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। एक सीट और रेट काट लाओ, एक सीट और रेट काट लाओ। ये मेट्रो कंपनी है, हाय हाय, ये मेट्रो कंपनी हो, उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। एक सीट और रेट काट लाओ, एक सीट और रेट काट लाओ। हम जो है वो कम कर दी गई है और पेट्रोल का जो कि दाम में दर पे दर वृद्धि हो रही है। हम लोग का पुराना जो रेट कट था वो वापस लाया जाए और गीत को हटाया जाए। हम लोग को बंधुआ मजदूर बना दिया गया गीत के द्वारा। इससे लो अर्निंग हो रही है, घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। आप बताइए क्या समस्या है और कब से आ रही है समस्या? ये पिछले जब से घी जाया तब से समस्या हम लोग गीज क्या है? ये एक स्लॉटिंग सिस्टम है। आप 8 से 10 में इतना देर काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, 10 से 12 में इतना देर काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। स्लॉटिंग सिस्टम हर एक टाइम का अलग अलग पैसा दिया है। पहले क्या था, अभी क्या है? पहले एक फिक्स था कि 22 रुपया इधर हम लोग को रेट में रेट कार्ड एक ऑर्डर देने के में मिलता था। 22 रुपया माइल स्टोन टोटल मिलाकर 45 हो जाता था, ठीक है। 45 भी नहीं दे सकते, ये लोग 5 किलोमीटर का 39 रुपया 28 रुपया ऐसे करके देता है 3 से 5 के स्लॉट में हर चीज़ में। हमको गिग्स इसीलिए पसंद नहीं है कि हर अलग अलग स्लॉट में अलग अलग पैसा देता है। इसलिए गिग्स हटाओ, रेट कार्ड लाओ। ये गिग्स के लाने से आप लोगों को नुकसान क्या हो रहा है, कितना हो रहा है? पेआउट नहीं बन रहा है सर, हम लोग का पेआउट नहीं बन रहा है, पेआउट नहीं बन रहा, एकदम नहीं बन रहा है सर। जो हम लोग पहले 17 ऑर्डर मारते थे तो 1200 रुपये पेआउट बनता था, अभी 20 ऑर्डर मार रहे हैं तो 800 रुपये पेआउट बन रहा है सर, 800 रुपये 300 रुपये पेट्रोल चल रहा है, 300 का पेट्रोल चल रहा है। अपना खर्चा 100 रुपये अपना खर्चा, दिन भर रहते हैं रोड में तो 150 रुपये अपना खर्चा है। घर कितना लेंगे, 500 रुपये घर लेके जाएंगे, 300 रुपये घर लेके जाएंगे सर। टाइम बताइए, टाइम 16 घंटा टाइम दे रहे हैं, 17 घंटा टाइम दे रहे हैं। 8 बजे सुबह 10-11 बजे जाता है घर। पहले क्या था, 17 ऑर्डर मारते थे हम लोग को 1200 रुपये होता था, जिसमें 300 का पेट्रोल चलने के बाद भी हम लोग को 700 का बचत हो जाता था, 700-800। अभी क्या है कि 400 का तेल जल जाता है, 200 रुपये की बचत होती है। आप देख सकते हैं ये हमारे जमशेदपुर लौह नगरी के वैसे युवा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं अब, लेकिन सरकार के द्वारा रोजगार न मिलने के अवसर पर ये लोग मजबूरन जोमैटो में काम करते हैं, क्योंकि इन्हें परिवार चलाना होता है, इन्हें अपना खर्च निकालना होता है। इन्हें आज के दौर में काफ़ी लोग शिक्षा को आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने उज्ज्वल भविष्य को लेकर भी पढ़ाई के लिए भी जोमैटो के सर्विस को ज्वाइन करते हैं। और जोमैटो आज आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना में, हम 2 दिन से भी सुन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म पड़ने वाला ये साल 2022 का अप्रैल का महीना, इस गर्मी के मौसम में भी जी टाउन मैदान बिष्टुपुर में सारे लोग, सारे युवा एक साथ धरना पे हैं। इनकी बस यही मांग है कि इन्हें ना कोई सुविधाएं अलग से चाहिए, ना ही इन्हें सैलरी अलग से चाहिए, लेकिन जो चीज़ इन्हें मिलती थी। आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, आज हर तरह काफ़ी सारे युवाओं पर बाइक का जो इंस्टॉलमेंट में लिया गया है उन्हें इनकी EMI देना होता है। आखिर वो युवा आखिर कहाँ चलाए, जो पहले 15 घंटे करने के काम करने के बाद ही 500-700 रुपये जो कमाते थे आज 200-300 कमाने को लेकर मजबूर हो गए हैं। आज ये अपनी हक की मांग के लिए आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर मैदान में, जी टाउन मैदान में 500 की संख्या में जोमैटो के सारे युवा आज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और 3-4 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। इनका ये भी कहना है कि ये विधायक से भी मिले हैं और DC से भी जाकर मिले हैं, लेकिन कोई इस बात को संज्ञान में लेके युवाओं की आवाज़ बनना नहीं चाह रहा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आज जिनके साथ तो कल आपके साथ भी मनमानी हो सकता है, अगर आज आप लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिनों में हम सभी युवाओं को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा और सरकार सोती रहेगी। यहाँ जमशेदपुर मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैंसिल करो, कैंसिल करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टोमेटो कंपनी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। टोमेटो कंपनी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।